हेलो नमस्कार, मैं प्रवेश शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों के विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः हमने संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित कर लिया है। सबसे पहला है निर्देशात्मक उद्देश्य। संस्कृत की जो है निर्देशात्मक उद्देश्य इस प्रकार है, छात्र और अध्यापक दोनों का जो है क्रियाशील रहना, छात्रों की क्रियाओं एवं प्रयासों को महत्व देकर उनके अर्जित ज्ञान को अधिक स्थायित्व प्रदान करना, छात्रों में पाठ्य वस्तु की गहनता का विकास करना, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों को अध्ययन के लिए निर्देशन देना, छात्रों की विभिन्न कुशलताओं आदतों और गुणों का विकास करना, कक्षा में पिछड़े बालकों को उपयुक्त ढंग से शिक्षा प्रदान करना, छात्रों में मौन वाचन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, समय एवं श्रम का अपव्यय रोकना, छात्रों को उनकी रुचि योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य आवंटित करना, छात्रों की मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करना, छात्रों को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को विकसित करने का सुअवसर प्रदान करना। अब हम देखेंगे इसी के साथ व्यावहारिक उद्देश्य। इसमें हमने विभाजित कर लिया है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक और अभिविद्यात्मक। तो व्यवहार जो है इसके लिए जो हमारे व्यावहारिक उद्देश्य हैं, हमने 3 भागों में विभाजित किया हुआ है इनको, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और अभिविद्यात्मक। ज्ञानात्मक के अंतर्गत शिक्षकों को संस्कृत भाषा के महत्व एवं शिक्षण उद्देश्यों का ज्ञान प्रदान करना, उन्हें देवनागरी लिपि एवं संस्कृत भाषा की वर्तनी के मानक रूप से परिचित कराना, उन साधनों विधियों एवं उद्देश्य मूल्य उपागमों से अवगत कराना जो संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों, उन्हें संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियों से परिचित कराना, शिक्षकों की भाषाई तथा साहित्यिक योग्यता को उन्नत करना जिससे संस्कृत शिक्षण का स्तर भी उन्नत हो सके, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम व पाठों के विश्लेषण तथा शिक्षण पदों के चयन की क्षमता का विकास करना, लिपि एवं वर्तनी की गलतियों से संबंधित जो है कठिनाइयों एवं उनके निदान का ज्ञान प्रदान करना। अब हम देखेंगे कौशलात्मक। अध्यापकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, उन्हें सह पाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों को आयोजित करने में सक्षम बनाना और संस्कृत भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विविध भाषा संबंध कौशलों एवं संस्कृत साहित्य की विभिन्न विधाओं की शिक्षण प्रणालियों और तकनीकों के उपयोग में सक्षम बनाना, अध्यापकों में ऐसी योग्यता विकसित करना जिससे वे कम खर्चीले सभ्य उपकरणों का निर्माण कर सकें तथा आधुनिक शैक्षिक साधन एवं जनसंचार माध्यमों को अपने शिक्षण में प्रयोग कर सकें। अब हम देखेंगे अभिवृत्यात्मक उद्देश्य। संस्कृत शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित ज्ञान और कौशलों को नवीनतम बनाए रखना तथा उनके उन्नत करने की प्रवृत्ति का विकास करना, संस्कृत शिक्षण में आने वाली समस्याओं और समाधान के प्रति अध्यापकों को जो है जागरूक बनाना, मापनीय उद्देश्य। इनको हमने 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जैसा कि व्यवहारिक उद्देश्य में रहा था। दूसरा कौशलात्मक, वैसा ही रहेगा। और तीसरा भी अभिवृत्यात्मक, वैसा ही रहेगा। ये 3 उद्देश्य वैसे ही रहेंगे। एक चौथा जो है इसमें 1, 2, 3 और 4, ये चौथा जो होगा वो सृजनात्मक उद्देश्य हो जाएगा। तो ये हमारे 4 उद्देश्य हैं। इसमें इसकी मापनीय तथा अपमापनीय उद्देश्य में ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक और सृजनात्मक। सबसे पहले हम ज्ञानात्मक के विषय में देखते हैं। छात्रों को ध्वनि पद एवं वाक्य योजना का ज्ञान प्रदान करना, माध्यमिक स्तर के छात्रों को संस्कृत की विविध साहित्यिक विधाओं का ज्ञान प्रदान करना, वाद विवाद, भाषण, संवाद, निबंध, कहानी, पत्र, सारांश आदि मौखिक एवं लिखित रचना कार्यों का ज्ञान प्रदान करना। अब हम देखेंगे इसमें परिवर्तन क्या होते हैं छात्रों में। छात्र उनका विश्लेषण, मतलब जो भी कार्य दिया जा रहा है, संश्लेषण एवं वर्गीकरण कर सकेंगे, उद्देश्यों को पहचान सकेंगे और उससे संबंधित जो है उदाहरण भी प्रदान कर सकेंगे। अब हम देखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य, श्रवण द्वारा अर्थ ग्रहण करना, मौखिक रूप में जो है भावों को व्यक्त करना, लिखित रूप में भावों को व्यक्त करना, शुद्ध जो है एवं स्पष्ट वाचन करना।
इनसे भी वही जो है परिवर्तन होंगे, जैसे बालक अपने शब्दों में किसी भी बात को व्यक्त कर सकेंगे और लिख सकेंगे। इसके बाद है अभिव्यक्तियात्मक उद्देश्य, छात्रों में शब्दतियों का विकास करना, भाषा एवं साहित्य में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना इसके अंतर्गत आते हैं। और शब्दतियों का विकास से मतलब है अपने देश व साहित्य से प्रेम करना, सद्विचार रखना, संवेदनशील एवं सहृदय होना, जीव मात्र से प्रेम तथा उनके प्रति संवेदना, दया करुणा आदि का भाव रखना। और दूसरा साहित्य में जो है रुचि के लिए कहा गया है कि साहित्यिक पत्रिकाओं एवं चित्रों को संग्रहित करना, पाठ्यक्रमेतर पुस्तकें पढ़ना, जीवन उपयोगी श्लोकों को जो है कंठस्थ करना, विद्यालय की पत्रिका में जो है योगदान देना। अगला पॉइंट है हमारा सृजनात्मक। संस्कृत शिक्षण के सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को साहित्य सृजन एवं रचना में मौलिकता लाने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे टॉपिक उनको दे दिए जाते हैं और लिखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इससे व्यवहारगत परिवर्तन क्या हो सकते हैं, तो स्व अनुभूत भावों एवं विचारों को प्रभावशाली शैली में अभिव्यक्त करना सीखेंगे, गृहित एवं स्व अनुभूत विचारों व भावों को कल्पना का पुट देकर मौलिक रूप में अभिव्यक्त करना भी सीखेंगे। आज के हमारे ये सामान्य उद्देश्य थे, इतने ही। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।